जोधपुर शहर में लगातार नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत एक दिव्यांग व्यक्ति की दुकान पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए दिव्यांग जन से अभद्रता की गई, जिसकी शिकायत लेकर दिव्यांग संघर्ष समिति जोधपुर संभाग के कमिश्नर कार्यालय में पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। दिव्यांग संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि दिव्यांगों के साथ लगातार जोधपुर शहर में अधिकारियों के द्वारा दिव्यांग जनों के साथ अभद्रता की जा रही है, जो कि दिव्यांग संघर्ष समिति बर्दाश्त नहीं करेगी और लगातार इस कार्रवाई के विरोध में नगर निगम के अधिकारियों का विरोध समिति द्वारा किया जाएगा। आज हम लोग अपने एक दिव्यांग परिवार की समस्या को लेकर कमिश्नर कार्यालय आए हुए हैं, जिसमें माननीय कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि दिव्यांग परिवार को उस जमीन से नहीं हटाया जाएगा जहाँ का नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। और ये दबंग माफिया जो कि सावन मंसूरी है, इसको जल्द से जल्द उस जमीन से दूसरी जगह आवंटित, वो उसी विकलांग परिवार की ज़मीन के पीछे क्यों पड़े हैं, हमारा कमिश्नर साहब से ये निवेदन था। इनने नगर निगम के साथ साठगांठ करके नगर निगम को पैसा खिलाकर उसमें हर दम विकलांग परिवार को परेशान किया जा रहा है, जो 35 से 40 साल से अपने परिवार को पाल रहे हैं। बेचारे दो तीनों परिवार मुख बधिर हैं, उनके कर्मचारी भी जो है वो भी मुख बधिर परिवार है। ऐसे विकलांग परिवार को इन लोग रोजगार दे के रखें और वहाँ दबंग माफिया उनकी दुकान पर नजरें गड़ाए हुए बैठा हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए अति शीघ्र। और दिव्यांग परिवार को वहाँ पे जो हम लोगों ने पट्टे का आवंटन किया हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया गया था, वहाँ पट्टे दिलवाए जाएँ ताकि वो अपना रोजगार सुचारू रूप से कर सकें, हमारी यही मानना है। और माननीय कमिश्नर साहब, और गुप्त सूचना ये भी मिली हुई है कि अभी हम लोगों ने जो तपन मोदी जी के कलेक्टर जितने दिव्यांगों का अपमान किया, इन लोगों ने सबने साठ गांठ करके ये विकलांग परिवारों को परेशान करने का निर्णय ले लिया है, ताकि विकलांग परिवार कहीं ना कहीं अपनी हार मानकर चुपचाप बैठ जाए। तो दिव्यांग समाज पर हार नहीं मानेगा, इसका पुरजोर विरोध करेगा अगर दिव्यांगों के साथ अन्याय हुआ तो। दिव्यांग संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सोनी, जबलपुर मध्य प्रदेश। ये पिछले 35 वर्षों से गोहलपुर थाने के पास पानी की टंकी के नीचे एक तीन मूक बधिर दिव्यांग परिवार चाय नाश्ते की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहाँ से नगर निगम उन्हें हटाकर किसी और व्यक्ति को वो भूमि आवंटित करने के लिए जबरन हम लोगों को नोटिस दिया। इस संबंध में हम लोगों ने आज संभाग आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया और उनसे आग्रह किया, तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि दिव्यांगों को वहाँ से नहीं उजाड़ा जाएगा। कुछ लोग, आप लोगों को दबंग माफिया भी परेशान कर रहे हैं। हाँ, वो एक हैं कोई सज्जन, तो वो नगर निगम के कुछ अधिकारियों के साथ साठ गांठ करके और उसी भूमि के पीछे पड़े हैं, जबकि उससे क्या नाम है जी, उनका नाम मोहम्मद वाजिद मंसूरी है। तो जहाँ इनकी दुकान है वहीं से थोड़ी दूरी पर नगर निगम की उसी रोड पर बहुत सारी जगह खाली पड़ी है। हम लोगों को निवेदन कि अगर नगर निगम उनको जगह देना चाहता है तो इस दुकान से थोड़ा आगे जो नगर निगम की खाली भूमि पड़ी है वहाँ पर वाजिद मंसूरी को दे दे और दिव्यांगों को उजाड़ा नहीं जाए। अगर दिव्यांगों को वहाँ से उजाड़ने का प्रयास किया जाएगा तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय संभागीय आयुक्त महोदय जी ने जो आश्वासन दिया है उसको नगर निगम फॉलो करेगा और हम दिव्यांगों को वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। जी, प्रकाश कुमार कनौजिया, एक्स डिविजनल प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। जोधपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।